हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों मेरा नाम है संजय कुमार और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल एंटीक कंप्यूटर स्टोर के एक नए एपिसोड में। तो आज एक फिर से नया पीसी बिल्ड का वीडियो लेके हाजिर हूँ मैं आपके लिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बिल्ड करने वाले बहुत ही शानदार यहाँ पे एक हाई एंड गेमिंग पीसी और बहुत ही शानदार एक आरजीबी पीसी जो कि है एमडी की तरफ से। दोस्तों आज जो हम पीसी बिल्ड करने वाले उसकी उसे 95,000 रुपये 95,000 का ओनली सीपी यहाँ पे मैंने बिल्ड किया है जो कि मैंने बनाया है गेमिंग और एडिटिंग दोनों ही कामों के लिए। तो दोस्तों मेरे कस्टमर मिस्टर आदित्य कुमार भंडारी कोयफीजा भोपाल में वो रहते हैं, उनके लिए इस पीसी का बिल्ड हमने यहाँ पे किया है। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं कि हमने कौन कौन से कंपोनेंट्स बिल्ड में इस्तेमाल किए, उनके टेक्निकल डिटेल्स क्या, फीचर क्या है, कॉस्ट क्या है। इसके बाद हम इस पीसी को असेंबल करेंगे और असेंबल करने के बाद इसके बेंच मार्क को चेक करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो कंपोनेंट बिल्ड का वो है प्रोसेसर सीपीयू। तो जो सीपीयू हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है एमडी की तरफ से आने वाला R7 3700X, एमडी का राजन 7 3700X हमने सीपीयू इस बिल्ड में इस्तेमाल किया जो कि एक बहुत शानदार गेमिंग चैंपियन सीपीयू रहता है एमडी की तरफ से। 8 कोर 16 थ्रेड में आता है, बहुत बढ़िया तरीके से आपकी किसी भी तरह की गेमिंग एडिटिंग आराम से करा जाता है। बहुत ही हाई एंड गेमिंग चैंपियन सीपीयू रहता है एमडी की तरफ से। तो दोस्तों यहाँ पे जो सीपीयू हमने इस्तेमाल किया उसकी कुछ अभी 26,500 रुपये 26,500 में अभी आपको ये मिल जाता है। दोस्तों अगला जो कंप्यूटर बिल्ड का वो है एक मदरबोर्ड। तो जो मदरबोर्ड हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है MSI की तरफ से आने वाला B550M Pro VDH Wi-Fi जो कि बहुत शानदार B550 चिपसेट का मदरबोर्ड है। इसमें ब्लूटूथ और वाईफाई यहाँ पे आपको दोनों मिल जाते हैं, काफी सारे फीचर मिल जाते हैं, RGB header सब कुछ इसमें मिल जाता है और ये 64GB RAM का सपोर्ट करता है। बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे परफॉर्म करता है। अगर आप 3700X CPU इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इस बोर्ड के साथ में इस्तेमाल करके एक बहुत बढ़िया पीसी बिल्ड यहाँ पे कर सकते हैं। सेम मदरबोर्ड के साथ में सेम सीपीयू के साथ में मैंने 10 से 15 पीसी यहाँ पे बिल्ड किए जो कि बहुत बढ़िया यहाँ पे काम करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो बोर्ड हमने इस्तेमाल किया उसकी कुछ 12,000 रुपये 12,000 में अभी आपको ये मिल जाता है। दोस्तों अगला जो कंपोनेंट बिल्ड का वो है रैम। तो रैम जो हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल की है HPG की तरफ से 8+8 में 16GB 3200 MHz की 8+8 16 में 3200 MHz की रैम हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल की है जो कि बहुत बढ़िया रहेगी, परफेक्ट रहेगी। 8+8 में जो भी कॉम्बिनेशन हम इस्तेमाल करते हैं बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे परफॉर्म करता है। साथ ही 3200 MHz की हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल की है तो इस बोर्ड के साथ में हम उसको ओवरक्लॉक करके 3200 MHz तक इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बहुत बढ़िया सिस्टम यहाँ पे हमारा काम करेगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमने इस्तेमाल की है उसकी कुछ 6,000 रुपये 6,000 में अभी आपको ये मिल जाती है। दोस्तों अगला जो कंपोनेंट है बिल्ड का वो एक SSD। तो जो SSD हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल की है सैमसंग की तरफ से आने वाली 250GB की NVMe SSD हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल की जो कि बहुत बढ़िया रहती है, शानदार रहती है। जितनी भी SSD आती है उनमें सैमसंग की SSD काफी अच्छी रहती है क्योंकि इसकी जो रीड और राइट स्पीड रहती है वो बाकी SSD से फास्ट यहाँ पे रहती है, तो बहुत ही अच्छी स्पीड यहाँ पे हमको मिलती है। तो दोस्तों यहाँ पे जो SSD हमने इस्तेमाल की है उसकी 4,800 रुपये 4,800 में अभी आपको ये मिल जाती है। दोस्तों अगला जो कंपोनेंट बिल्ड का हुआ है हार्ड डिस्क। तो जो हार्ड डिस्क हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल की है सीगेट की तरफ से आने वाली बल्क प्लग इन 1000GB की 1TB की हार्ड डिस्क हमने इस्तेमाल की है जो कि है 7200 RPM की 7200 RPM की हार्ड डिस्क हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल की है। आप भी जब पीसी बिल्ड करते हैं तो हमेशा 7200 RPM का हार्ड डिस्क का इस्तेमाल करें। तो दोस्तों यहाँ पे जो हार्ड डिस्क हमने इस्तेमाल की है उसकी कुछ 3300 रुपये 3300 में अभी आपको ये मिल जाती है। दोस्तों अगला जो कंपोनेंट बिल्ड का वो है एक लिक्विड कूलर AI। तो यहाँ पे जो लिक्विड कूलर हमने इस्तेमाल किया है डीपूल की तरफ से 240GB का एक बहुत ही शानदार RGB कूलर हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया जो कि बहुत बढ़िया रहेगा, शानदार रहेगा, काफी अच्छी कूलिंग यहाँ पे हमको मिलेगी। साथ ही हमारा जो केस है वो RGB में और भी ज्यादा यहाँ पे अच्छा लगेगा क्योंकि इसमें कूलर में 2 फैन आते हैं जो कि पूरी तरह से RGB रहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो लिक्विड कूलर हमने इस्तेमाल किया उसकी कुछ 6,000 रुपये 6,000 में अभी आपको ये मिल जाता है। दोस्तों अगला जो कंपोनेंट बिल्ड का वो है पावर सप्लाई PSU। तो जो PSU हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है थर्मल टेक की तरफ से 550W का एक बहुत शानदार बजट PSU हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है जो कि इस बिल्ड में बहुत बढ़िया रहेगा, सारे पार्ट्स के पावर को आराम से हैंडल यहाँ पे कर लेगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो PSU हमने इस्तेमाल किया उसकी 3,500 रुपये 3,500 में अभी आपको ये मिल जाता है। दोस्तों अगला जो कंपोनेंट बिल्ड का वो है गेमिंग केस केबिनेट। तो यहाँ पे जो केस हमने इस्तेमाल किया है कूलर मास्टर की तरफ से आने वाला MB5W ने एक RGB केस इस्तेमाल किया जो कि बहुत बढ़िया एक शानदार केस रहता है, साइड से ट्रांसपेरेंट रहता है, साइड में इसमें टेम्पर्ड ग्लास रहता है, आगे इसमें 3 फैन रहते हैं जो कि पूरी तरह से RGB रहते हैं, आगे इसमें मेश पैनल रहता है जिसकी वजह से कैबिनेट में काफी कूलिंग रहती है, तो बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे सिस्टम हमारा परफॉर्म करता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो केस हमने इस्तेमाल किया उसकी कुछ अभी 7,000 रुपये 7,000 में अभी आपको ये मिल जाता है। दोस्तों अगला जो कंपोनेंट बिल्ड का वो है ग्राफिक्स कार्ड GPU। तो जो ग्राफिक्स कार्ड हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है MSI की तरफ से आने वाला वेंटस OC 1650 4GB DDR6 में बहुत ही शानदार यहाँ पे ग्राफिक्स कार्ड इस्तेमाल किया है जो कि इस बिल्ड के लिए परफेक्ट रहेगा, शानदार रहेगा। जैसा कि आप जानते हैं ग्राफिक्स कार्ड काफी ज्यादा हाई है, काफी महंगे है, तो कस्टमर ने यहाँ पे ज्यादा बड़ा ग्राफिक्स कार्ड इस्तेमाल नहीं किया अभी के लिए, 1-2 साल के लिए,
ये ग्राफिक्स कार्ड इस्तेमाल कर लिया, जिसके साथ ही पीसी बहुत बढ़िया परफॉर्म यहाँ पे करेगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो ग्राफिक्स कार्ड हमने इस्तेमाल किया उसकी 26,000 रुपये 26,000 में अभी आपको ये मिल जाता है। तो दोस्तों हमने देख लिया कि हमने कौन कौन से कंप्यूटर बिल्ड में इस्तेमाल किए, उनके टेक्निकल डिटेल्स फीचर और कॉस्ट हमने देख ली है। तो आइए हम पीसी को असेंबल करते हैं, देखते हैं कि असेंबल करने के बाद कैसा दिख रहा है, कैसा इसकी परफॉर्मेंस है, इसके बाद हम इसके बेंचमार्क को चेक करेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं। Just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I became a man, lost sight of who I am. But right in front of me was the answer. Joy, and I turn back to a boy. The answer is to stay young.
just a boy. Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I became a man, lost sight of who I am. But right in front of me was the answer. 'Cause on Christmas I feel joy, and I turn back to a boy. The answer is to stay young. आपने देख लिया यहाँ पे मैंने इस पीसी को बिल्ड कर लिया, इस पीसी को बना लिया, काफी शानदार बनाया का लुक की बात करते हैं तो बहुत बढ़िया दिख रहा है, क्योंकि जो केस हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है कूलर मास्टर की तरफ से और फुली आरजीबी केस इस्तेमाल किया है। साथ ही हमने यहाँ पे लिक्विड कूलर इस्तेमाल किया जिसकी वजह से इस केस में और भी ज्यादा आरजीबी यहाँ पे दिख रही है, तो लुक के मामले में बहुत बढ़िया यहाँ पे दिख रहा है। वहीं हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो सारे के सारे बहुत बढ़िया कंप्यूटर इस्तेमाल करके, एक से बढ़कर एक बहुत अच्छे कंप्यूटर इस्तेमाल करके एक बहुत बढ़िया पीसी यहाँ पे, साथ ही एक बहुत बढ़िया बजट पीसी बना लिया है। आज के हिसाब से किसी भी तरह की गेमिंग के लिए ये बहुत बढ़िया यहाँ पे रहेगा, आप किसी भी तरह की एडिटिंग के लिए भी इस पीसी का इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। दोस्तों अगर परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो मैंने इस पे सिनेबेंच चेक करके देख लिया था जिसके अंदर मुझे 160 प्लस एफपीएस मिले थे, यानी अगर आप इस पे गेमिंग करते हैं इस ग्राफिक्स कार्ड के साथ में 1615 के साथ में तो आपको 150 प्लस एफपीएस आराम से मिल जाएंगे। वही जो रेंडरिंग का स्कोर भी 2000 के समथिंग रहा था और 2000 के समथिंग में रेंडरिंग का स्कोर रहा था, तो बहुत बढ़िया तरीके से आपकी किसी भी तरह की ये एडिटिंग रेंडरिंग यहाँ पे करा देगा। तो दोस्तों अगर आप भी पीसी बिल्ड करना चाहते हैं, इस तरह कोई पीसी बिल्ड करना चाहते हैं जिसके लिए आपको बजट 1,00,000 रुपये, तो आप सेम टू सेम वाला पीसी बिल्ड करके थोड़ा बहुत चेंजेस करके इस पीसी को बिल्ड कर सकते हैं, जो कि किसी भी तरह की गेमिंग के लिए, एंट्री लेवल गेमिंग के लिए, मिड लेवल गेमिंग के लिए, हाई एंड गेमिंग के लिए या किसी भी तरह की रेंडरिंग के लिए एकदम परफेक्ट यहाँ पे रहेगा। तो दोस्तों अगर आप भी कोई पीसी बिल्ड करना चाहते हैं, कोई गेमिंग पीसी, कोई वीडियो एडिटिंग पीसी या किसी भी तरह का आप कोई कंप्यूटर परचेस करना चाहते हैं, या फिर अगर आप ये वाला पीसी परचेस करना चाहते हैं तो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट www.ondorcomputer.com पर आप विजिट कर सकते हैं, या फिर अगर आप भोपाल में रहते हैं तो हमारे स्टोर पर विजिट कर सकते हैं जो कि लोकेटेड लाल घाटी स्क्वायर भोपाल पर, और अगर आप भोपाल में रहते हैं भोपाल से बाहर रहते हैं तो हमसे कॉन्टैक्ट करके किसी भी तरह के पीसी ऑर्डर हमें दे सकते हैं जो हम आपके घर पर पहुँचा देंगे 7 दिनों के भीतर। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इसी तरह की वीडियोस और भी देखना चाहते हैं पीसी बिल्ड के बारे में, कंप्यूटर के बारे में, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।